भैया क्रम्स देख लें आपके सामने हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, बहुत ही क्रिस्पी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल और शुक्र के साथ आपकी खिदमत में अबू जर जी हाजिर है। आज हम बनाने लगे हैं आलू की चिप्स। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े की बनती है और ये बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे। इसमें क्रम्स भी आएंगे, चिकन का भी टेस्ट आएगा और ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं और ये कैसे बनाई जाती हैं। सबसे पहले हमने 1 किलो आलू ले लिए, इनको ये फिंगर इनको कटिंग कर ली है सारी, ये देखें खुश कर लिया। साथ में हमारे पास ये मसाले हैं, ये सिंपल नमक है, ये लहसुन का पाउडर है, इससे टेस्ट बहुत बेहतरीन हो जाता है, बहुत ही मज़े का होता है। और ये मसाला है मिक्स मसाला, इसमें जो है ये चिकन के क्यूब्स भी जाएंगे, ये आपको बाद में बताएंगे ये कैसे इसमें डालेंगे। तो साथ में ये मैदा है, सबसे पहले हमने ये एक बॉल ले लिया, इसमें मैदा डालेंगे 2 कप। दो कप मैदा डालने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन का पाउडर, इसके बाद इसमें ये नमक जाएगा। नमक शामिल करने के बाद ये जो मसाला है गरम मसाला कुटा हुआ ये जाएगा। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी शामिल करेंगे, हमने फूड कलर ज़रदा कर शामिल कर दिया, इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, पानी शामिल करने के बाद ये हमारे जो चिकन क्यूब्स हैं जो टिकियां हैं इसमें पानी में ये शामिल कर देंगे। ये दोनों शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन क्यूब्स की जो टिकियां थी उसको हमने थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। इसका हमने पेस्ट बनाना है, गाढ़ा पेस्ट, इसमें 1 कप पानी जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पेस्ट जो है हमारा बिल्कुल गाढ़ा तैयार हो गया है, इसको चेक कर लेना है, ऐसे ऐसे चिपकना चाहिए, ये ऐसे, ये देखिए पेस्ट तैयार करने के बाद चूल्हा हमने जला लिया, कढ़ाई को हमने चूल्हे पे जला दिया, ऑयल इसमें शामिल कर दिया, उतनी देर में ये ऑयल गर्म होगा। ऑयल गर्म होने तक हम जो है इनके क्रम्स बना लेते हैं, इनको ऐसे पकड़ा, इसमें डिप किया, ऐसे रखा, इसके ऊपर ये मैदा डालते जाना ऐसे। ये सारे पीसों को ऐसे कर लिया, ऐसे रखते जाएंगे। सारे पीसों को हमने पेस्ट लगा के खुश्क मैदा लगा लिया है, क्रम्स बन गए हैं और अब इसको हमने फ्राई करना है। ऑयल हमने शामिल कर लिया है, ऑयल हमने सरसों का इस्तेमाल किया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये बहुत ही यूनिक और नए तरीके की रेसिपी है। इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा खा के। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ये सब अब ऑयल में डालेंगे। सारे पीसों को अलग अलग करके इसमें डालेंगे ताकि ये सारे जुड़ ना जाएं। माशाल्लाह जी ये देख लें फ्राई होना शुरू हो गई है, क्रम्स देख लें आपके सामने हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, बहुत ही क्रिस्पी। माशाल्लाह जी फ्राई हो रहे हैं चिप्स बहुत ही मज़े की, अभी जितनी देर में ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाती इसको नहीं निकालेंगे वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। हो चुकी है, ये देख रहे हैं बिल्कुल KFC स्टाइल में, ऐसी तो आपको KFC में भी नहीं मिलेगी। इसका टेस्ट जो है इसमें चिकन का भी फ्लेवर है, ड्रम्स भी हैं, आलू का भी फ्लेवर है, सारे फ्लेवर एक ही साथ आपको मिल गए। Thank you.
माशाल्लाह जी, ये देख लें, ये बहुत ही करारी, क्रिस्पी, क्रम्स वाली, चिकन वाली, बहुत ही मज़े की है। आप भी ट्राई करें, हमें खा के बताएं। आए हाय, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी, फिंगर चिप्स बहुत ही मज़े की बनी हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनी हैं। इस तरह आप भी बनाएं और आप भी खाएं, ट्राई करें, हमारी वीडियो पूरी देखा करें। फिंगर चिप्स बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। इस तरह की हमारी और भी वीडियो देखने के लिए हमारा जो चैनल है उसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।